अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारा टॉपिक है। जल्दी से आप अपनी नोटबुक पर इसको कॉपी कर सकते हैं। टॉपिक हमारे सिलेबस के मुताबिक ये है कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके इर्द गिर्द, हम पता लगा चुके हैं कि एक स्ट्रेट कंडक्टर जब होता है तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है अराउंड दैट कंडक्टर। फिर किसी भी पॉइंट पर, इस अगर हमारे पास इसी तरह के का एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, मान लीजिए इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर हो, और उसके नज़दीक कोई पॉइंट हो कहीं पर, तो उस पॉइंट पर, नज़दीकी पॉइंट पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए कि कितना फील्ड स्ट्रेंथ होगी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट ए पॉइंट नियर ए करंट कैरिंग इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर। मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर मान लीजिए, और उसके नज़दीक एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसकी डिस्टेंस जो है यहाँ से वो है E, स्ट्रेट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और हमें इस पॉइंट P पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, यानी उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें निकालना है। अभी तक हमने बायट-सावर्ट लॉ से हमें इसको इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, बायट-सावर्ट लॉ की मदद से। बायट-सावर्ट लॉ, जिसको हमने बायो-सावर्ट लॉ भी कहा, तो उसकी उसका मैथमेटिकल फॉर्म हम पहले ही जानते हैं, वो हम कर चुके हैं, तो उसको अप्लाई करके यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यानी अभी तक हमें क्या पता है, अभी तक हमें ये पता है कि अगर किसी कंडक्टर में से कोई करंट पास हो रही है, ये पास हो रही है करंट, तो इस, मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है। यानी एक पॉइंट ले लीजिए कंडक्टर पर, उस पॉइंट को सेंटर बना के चलिए और एक सर्कल कंसिडर कीजिए अराउंड दैट पॉइंट, फिर दूसरा सर्कल अराउंड द पॉइंट, फिर तीसरा सर्कल अराउंड द पॉइंट, डिफरेंट रेडिए के सर्कल्स अराउंड द सेम पॉइंट, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जिस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं अराउंड दिस कंडक्टर, ठीक। फिर हमने ये सीखा कि अगर हमें किसी पॉइंट पर, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक सर्कल ये है, दूसरा ये है, तीसरा मान लीजिए इस पॉइंट में से पास हो रहा है। अगर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके ये सर्कल इस तरह से, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज जाके इस पॉइंट में से पास हो रहा है, तो हम इस पॉइंट पर ही एक टेंजेंट डाल देते हैं, वो टेंजेंट जिस तरफ जाता है वही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पर। ये हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, इसको ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वरना ये सारा टाइम इसी में जाएगा। मगर अब हमें क्या चाहिए कि ऐसा ही एक पॉइंट हमारे पास ये है, यहां पर है, हमें चाहिए, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस एक्सप्रेशन से, हम उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, उसको किस एक्सप्रेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारा टॉपिक है। अब सवाल ये पैदा होता है, हमारा कंडक्टर इनफिनिटली लॉन्ग है, लेकिन मैंने कंडक्टर को मान लीजिए ले लिया ए बी। अब मैं जब कंडक्टर कह रहा हूं कि ए बी इज ए कंडक्टर, तो दैट मीन्स मैं इसके एंड पॉइंट जो है वो बता रहा हूं, तो ये इनफिनिटली लॉन्ग तो नहीं रहेगा, ये इसकी लेंथ फाइनाइट हो जाएगी, ये बताने से कि इसका एक एंड ए है और दूसरा एंड बी। लेकिन दो मिनट के लिए हम पहले इसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर, यानी इस कंडक्टर में से करंट पास हो रही है तो इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे जिसकी मदद से हम इस कंडक्टर को इनफिनिटली लॉन्ग कंसिडर करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालेंगे। फिलहाल के लिए मानते हैं कि इसकी लेंथ इतनी ही है, ठीक है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने बायो-सावर्ट लॉ किया, हमने एक कंडक्टर इस तरह से लिया था, अगर आपको याद हो, यहां पर हमने कहा था इस कंडक्टर में से करंट पास हो रही है, आई याद है कुछ। फिर हमने कहा था कि अगर इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मान लीजिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है,
तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था पहले हम एज्यूम करेंगे कि यहां पर एक एलिमेंट्री कंडक्टर है जिसकी लेंथ है डीएल, ठीक है ना, छोटा सा एलिमेंट्री कंडक्टर, उसको ज्वाइन किया था इस पॉइंट के साथ। पहले हमने इस डीएल की मदद से, इस डीएल में से जब करंट पास होती है तो ये भी एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की वजह से भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। पहले हमने इस डीएल की वजह से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको पता लगाया था। तो बायो सेवर्ट लॉ ने हमें कहा था कि इसकी वजह से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हम डिनोशन रखेंगे डी बी, मतलब डी बी इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट्री कंडक्टर ऑफ लेंथ डीएल। जब ये एलिमेंट्री कंडक्टर है जिसकी लेंथ डीएल है, जब इसमें से करंट पास होगी तो यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस एलिमेंट्री कंडक्टर की वजह से, तो हमने देखा था दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। आपको याद दिलाने के लिए ये फिर से लिख रहा हूं। वॉट इज म्यू नॉट? परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वॉट इज इट्स वैल्यू? इट इज वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10 रेस पावर -7। याद पड़ा कुछ? शाबाश। I द करंट पासिंग थ्रू dl, एंड वॉट इज साइन थीटा? विच एंगल इज थीटा? थीटा इज दिस एंगल जो इस एलिमेंट्री कंडक्टर ने, द एंगल फॉर्मड बाय द एलिमेंट्री कंडक्टर एंड द लाइन ज्वाइनिंग इट विद द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। एलिमेंट्री कंडक्टर ने यानी डीएल ने कौन सा एंगल बनाया किसके साथ? उस लाइन के साथ जो इस एलिमेंट्री कंडक्टर को पॉइंट बी के साथ ज्वाइन करती है। दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। एंड आर, वॉट इज आर? आर स्क्वायर। वॉट इज आर? आर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्री कंडक्टर डीएल एंड दिस पॉइंट पी, जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो यही चीज हम यहां पर अप्लाई करेंगे। कंडक्टर हमारा ये है, लेकिन हम पहले एज्यूम करेंगे कि इस कंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा, जिस तरह यहां से हमने डीएल यहां पर एज्यूम किया, उसी तरह से हम यहां पर इस कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट या छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसकी लेंथ डीएल ही है। ये दिस इज डीएल। आई बात समझ। अब पहले इस डीएल में से जब करंट आई पास होगी, ये डीएल भी यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कहां पर? पॉइंट पी पर। क्यों? क्योंकि इसमें से करंट पास हो रही है और हमें ऑरिस्टेड की एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है क्या, व्हेनेवर ए करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर इट डेवलप्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ए करंट कैरिंग कंडक्टर हैज ऑलवेज, या करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज डेवलप्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये एक एलिमेंट कंडक्टर है और इसमें से करंट पास हो रही है तो इसके इर्द गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस पॉइंट पर भी इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले हम इस एलिमेंट्री कंडक्टर की वजह से जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालेंगे। तो बायट्स वर्ट लॉ हमें क्या कहता है कि मार्क कीजिए एलिमेंट्री कंडक्टर को, वो हमने यहां पर मार्क किया। फिर उस एलिमेंट्री कंडक्टर को पॉइंट पी के साथ ज्वाइन कीजिए, ये हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, ये ठीक। अब मान लीजिए इस एलिमेंट्री कंडक्टर ने यहां पर ये जो एंगल बनाया ये थीटा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज थीटा, ओके। हाँ, अब मान लीजिए यहां पर जो इसने एंगल यहां पर बन गया एलिमेंट्री कंडक्टर, ये देखिए दिस इज ए, ठीक है। चलिए ये एंगल हम मान लेते हैं फाई फाई, मैं इस तरह से लिखते हैं, आपको पता होगा। तो यहां पर मैंने फाई लिखा, डिनोट किया इस एंगल को बाय फाई, हो ठीक है। अब मान लीजिए ये पॉइंट हमारा है ओ। अब इस ओ से यहां तक की डिस्टेंस जो है, चलिए ये एल है क्योंकि लेंथ है तो इसको हम एल से ही डिनोट करेंगे। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने ए रखा। ये वाली डिस्टेंस जो एलिमेंट्री कंडक्टर को, ये देखिए बायट्स वर्ट लॉ को फिर से याद कीजिए, एलिमेंट्री कंडक्टर को जो पॉइंट पी के साथ ज्वाइन करती है, ये डिस्टेंस हम हमेशा आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कंडक्टर है, इसको ये वाली डिस्टेंस है पॉइंट पी के साथ और हम इसको आर से डिनोट करेंगे। नाउ सबसे पहले अगर हम ये देखना चाहें कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस एलिमेंट्री कंडक्टर डीएल, इस डीएल की वजह से कितनी स्ट्रांग है पॉइंट पी पर किसकी मैग्नेटिक फील्ड की, तो अकॉर्डिंग टू बायट्स वर्ट लॉ, ये मैं यहां से रब कर देता हूं, मेरा बोर्ड बहुत ही छोटा है, लॉकडाउन वाला बोर्ड है तो लिहाजा इसको पता नहीं कहां से मैंने घर में रखा हुआ था,
शायद किसी दूसरे काम से रखा था बहुत साल पहले, मैंने फिर इसी को यूज़ किया एमरजेंसी में। चलिए देखिए, बायर्स लॉ हमें कहता है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट बायर्स लॉ सेज। इफ यू हैव टू फाइंड आउट वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस एलिमेंट्री कंडक्टर ऑफ लेंथ डी एल एंड दैट बाय बायो सेवर्ट लॉ इज गिवन बाय म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय 4 बाय आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन चंद एक चीजें मुझे यहां से बिल्कुल हटा देनी होंगी इस एक्सप्रेशन से। क्या? इस डीएल को, ठीक है, इस साइन थीटा को भी और इस आर को भी। क्यों? क्योंकि ये कोई अल्टीमेट क्वांटिटीज, इनका एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। देखिए, आपका डीएल बड़ा हो सकता है, मेरा डीएल छोटा हो सकता है। तो डीएल क्या है एक्चुअली? डीएल को हम स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, लेकिन फिर इस स्मॉल एलिमेंट की कोई मेजरमेंट, तो कोई लेंथ पर्टिकुलर तो नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। तो हमें इस एक्सप्रेशन से उन क्वांटिटीज को रहने ही नहीं देना है इस एक्सप्रेशन में जिनके वैल्यूज फिक्स्ड ना हो। ठीक है, अब आर देख लीजिए। अब आर आपका क्या है? आर आपका बड़ा हो सकता है, मेरा छोटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई यहां पर डीएल को कंसिडर करेगा ऊपर, तो उसका आर जो है कुछ और बनेगा। जब हम इस डीएल को नीचे मानते हैं तो आर लंबा हो गया। अगर हम और डीएल को यहां पर मान लेंगे छोटा सा, तो आर यहां पर और कुछ हो गया। तो ये आर जो है इसका भी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। तो हम इन क्वांटिटीज को यहां से एलिमिनेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख लीजिए। हम ये चीज कर सकते हैं कि अगर हम मान लें इस ट्राइंगल में से, अब यहां पर मैं नाम रख लेता हूं फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट का एल। ये जो आपका ट्राइंगल है कौन सा? इन राइट ट्राइंगल POL, ये जो आपका POL है, अगर आप इसमें साइन थीटा निकालें, फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ थीटा, व्हाट इज साइन थीटा इक्वल टू? इट इज परपेंडिकुलर। व्हाट इज दैट परपेंडिकुलर? दैट इज L, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर। नो, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, और आपका परपेंडिकुलर OP है। इट्स OP परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज ये, जब साइन थीटा यानी एंगल यहां पर है तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, फिर तो परपेंडिकुलर जो है वो ये ओपी है। ठीक है, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस ओपी डिवाइड बाय पीएल, ये वाला, या एलपी। सो दैट मींस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज ओपी? ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द पॉइंट, दैट इज दिस ए। तो हम लिखेंगे ए डिवाइड बाई एल पी, इट इज आर, दैट इज ए डिवाइड बाई आर। ठीक है, नाउ इसी ट्राइंगल में कॉस ऑफ फाई देख लीजिए, तो आपको मिलेगा कॉस ऑफ फाई, दैट इज बेस। अब जब फाई यहां पर, जब एंगल है फाई, तो बेस क्या बनेगा? ओपी डिवाइड बाई हाइपोटन्यूज, हाइपोटन्यूज इज दिस पी एल, तो ये तो फिर से वही हो गया ओपी बाई एल पी। ठीक है, चलिए एल पी ही लिख लेते हैं पी एल की जगह। तो कॉस ऑफ फाई इज ओपी, व्हाट इज ओपी? दैट इज ए डिवाइड बाय आर। तो आपको क्या मिला कि इस ट्राइंगल में साइन थीटा एंड कॉस फाई इक्वल है। तो व्हाट इज कॉस फाई? ए बाय आर। एंड व्हाट इज योर साइन थीटा? ए बाय आर। तो आप क्या लिखेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू ए बाय आर, इसको आपने नोट किया। तो अभी मैंने साइन थीटा का वैल्यू निकाला और साथ ही में मैंने कॉस फाई का भी यहां से वैल्यू निकाला। अब अगर हम चाहें तो हम आर का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए, आर आपका आ सकता है यहां पर, जब आप यहां पर लिखते हैं ये, तो आर आएगा आर इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय कॉस ऑफ फाई, दैट मींस आर इज इक्वल टू ए सेक फाई। वन बाय कॉस क्या होता है? वन बाय कॉस इज सेक, सीकेट। तो आप सेक लिखते हैं शॉर्ट में, आर इज इक्वल टू ए सेक फाई। तो आपने दो चीजों के वैल्यूज निकाली, क्या? एक आर और साइन थीटा का। अब मुझे एलिमिनेट करना है इसमें से डीएल, तो डीएल का कैसे वैल्यू निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर हम इसी में टेन ऑफ
एंगल निकालेंगे, मान लीजिए टेन फाई निकालेंगे इसी ट्राइंगल में। और भी तरीके हैं लेकिन ये एक छोटा सा आसान सा तरीका है, ये मैं रब करता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसको पहले कॉपी कर सकते हैं। अगर किसी को मेरी राइटिंग छोटी नजर आ रही हो, दिखाई दे रही हो, तो मैं बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, तो वो इसको जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे व्हाट इज टेन ऑफ, व्हाट इज दिस टेन ऑफ फाइव इक्वल टू टेन ऑफ फाइव। हाँ जरा बताएं, टेन ऑफ फाइव ये आपका फाइव है, जब टेन निकालें ये फाइव जब बन गया तो ये बेस है। अब इस बार परपेंडिकुलर ये है ओ एल, सो इट इज ओ एल डिवाइड बाई बेस दैट इज ओ पी। टेन ऑफ फाइव इन दिस ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज ओ एल बाई ओ पी, एंड दैट मीन्स टेन ऑफ फाइव इज इक्वल टू वॉट इज ओ एल, ओ एल, ओ एल इज एल, क्योंकि यहां से यहां तक आपने एल रखा हुआ है, डिवाइड बाई ए। देन वॉट इज एल इक्वल टू, एल इज ए टेन फाइव। लेकिन क्या आपको एल चाहिए कहीं पर? नहीं, आपको क्या चाहिए? डी एल, वेरी गुड। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू फाइव, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा डी एल, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू फाइव, तो आपको मिलेगा डी एल बाई डी फाइव, डी एल बाई डी फाइव इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टेन फाइव डिवाइड बाई डी फाइव। सो वॉट इज दैट इक्वल टू, डी एल बाई डी फाइव इज इक्वल टू, शाबाश, ए तो बाहर आएगा, टेन की डिफ्रेंसिएशन, वॉट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन, शाबाश, दैट इज सेक स्क्वायर फाइव। टेन थीटा की डिफ्रेंसिएशन है सेक स्क्वायर थीटा, यानी टेन फाइव की डिफ्रेंसिएशन होगी सेक स्क्वायर फाइव। अब डी एल निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ये आपका डीएल। हाँ भाई, कितनी चीजें आपके पास हैं ये मैं नोट कर लूंगा पहले, शाबाश। आपके पास है साइन थीटा का वैल्यू, चलिए मैं साइड में लिख लेता हूं, या आपने तो कॉपी पर लिखा होगा। साइन थीटा का वैल्यू आपके पास है, शाबाश, ए डिवाइड बाय आर निकाल चुके हैं, ठीक है भाई। हाँ, आर का वैल्यू आपके पास है स्मॉल आर, ठीक है ना, ए सेक फाइव, ये आर का वैल्यू था। डी एल का वैल्यू आपके पास आ गया, डी एल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। इन तीन चीजों को आपने नोट किया कि हमने इनके वैल्यूज जो है पता लगाए। अब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे, कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम हम लिखेंगे यहां पर, मैं ये चीजें रब करता हूं फिर से, तो हम अब इस तरह से करेंगे। Therefore, from equation first, तो equation first से क्या मिलेगा? Magnetic field at point P due to elementary conductor dl, that is given by dB, is equal to, शाबाश, mu naught I, अब dl का value लगाइए, अब dl की value क्या है? A, शाबाश, sec square phi d phi, ये हो गया म्यू नॉट, दिस इज आई, ये है डीएल, डीएल का वैल्यू है ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव लगा दिया हमने। फिर है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा का वैल्यू है ए बाय आर, ए बाय आर, और इस सारे के साथ डिवाइड बाय क्या है? फोर पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है भाई। अब फिर से आगे बढ़ाइए, डी बाई डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ठीक है, डी फाइव डिवाइड बाई, शाबाश, डिनोमिनेटर में क्या है? फोर पाई आर स्क्वायर। यहां से बताइए आर किसके बराबर है, पहले ही निकाला हुआ है ए सेक फाइव, आर स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, ठीक है। फिर एक आर और बचा, ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी, अब इस आर की क्या वैल्यू है? ए सेक फाइव,
तो फिर लिखिए ए सेक फाइव आर, शाबाश। अब देख लीजिए ये sec स्क्वायर फाइव कैंसिल, शाबाश, ठीक है भाई। हाँ, और यहां ए और यहां ए ये भी कैंसिल हो गए, ठीक है भाई, वेरी गुड। तो अब जरा बताइए क्या आएगा यहां पर, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये चीजें बच गई। नीचे यहां पर ऊपर बचा म्यू नॉट आई एंड डी फाई, मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई डी फाई। अब यहां डिनोमिनेटर में है फोर पाई ए स्क्वायर एंड सेक फाई, ये हमने लिखा। और आगे बढ़िए, आप देख लीजिए sec phi को ये 1 बाई sec phi, इसके बदले ऊपर सिंपली cos phi लिख सकते हैं क्योंकि reciprocal of secant is cos, तो हम लिखेंगे d phi db is equal to शाबाश i mu not i, ठीक है, mu not i cos phi d phi डिवाइड बाय 4 पाई ए स्क्वायर। आई डी एल, डी एल इज ए, डी एल के वैल्यू हमने दिया था ए सेक स्क्वायर फाइ डी फाइ, साइन थीटा का भी तो ए था, तो यहां पर ए स्क्वायर है, देखिए ऊपर न्यूमरेटर में ए, एक यहां पर ए यहां पर, तो वो यहां पर बनेगा ए स्क्वायर, मतलब ऊपर एक ए यहां पर है हमारे पास न्यूमरेटर में, देख लीजिए क्यों, क्योंकि हमने यहां पर ए लिखा, ठीक है, सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव ये भी लिखा, सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, लेकिन फिर ये भी एक ए है ना, वो हमने नहीं लिखा हुआ था, तो वो भी यहां पर है, तो वो हम साथ में लिखते जाएंगे दोनों स्टेप्स में, यहां पर भी और यहां पर भी। अब ये एक ए ये कैंसिल होगा, यू विल गेट डी बी इज इक्वल, चाहे तो आप इसको ऊपर ही कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम भूल गए थे लिखना, तो हमने नीचे इसको कैंसिल किया, म्यू नॉट आई कॉस ऑफ फाई डी फाई डिवाइड बाई फोर पाई ए। ये जी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी, मगर किसकी वजह से, दिस एलिमेंट्री कंडक्टर की वजह से। अब सवाल ये पैदा होता है, जब हमारे पास पूरा कंडक्टर हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यहां आप देख सकते हैं ये छोटा सा कंडक्टर हो या पूरा कंडक्टर हो, म्यू नॉट फोर पाई सबके लिए एक जैसा, ठीक है भाई। अब ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कंडक्टर और पॉइंट पी के दरमियान, ये भी एक ही है, आई करंट जो पास हो रही है डीएल में से भी वही करंट, पूरे कंडक्टर में से भी वही करंट आई पास हो रही है। जब हम इस छोटे कंडक्टर की जगह पूरे कंडक्टर को कंसिडर करेंगे तो क्या चीज चेंज होने वाली है, ये एंगल फाई चेंज होने वाली है। देखिए अगर हम देखें कि डी फाई क्या है, डी फाई कौन सा एंगल है, इसको हम अगर डायग्राम में बताना चाहें कि आपने यहां मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डी फाई तो लिख लिया, लेकिन यहां पर बताइए डी फाई कौन सा एंगल है। डी फाई एंगल है जो इस डी एल ने एक पॉइंट पी पर बनाया, मतलब अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे डीएल के इस वाले एंड को, फिर डीएल के नीचे वाले एंड को, तो ये डीएल आपका है, मैं यहां बनाता हूं, ये आपका डीएल है मान लीजिए, ये वाला डीएल, और ये पॉइंट है पॉइंट पी, ठीक है, आई बात समझ में, ये है पॉइंट पी, ठीक, तो आपका डीएल ये है, ये डीएल मैंने यहां पर बनाया डीएल, ये पॉइंट पी मैंने यहां पर बनाया। अब अगर आप देखें इस डीएल का एक एंड और दूसरा नीचे वाला एंड पॉइंट पी के साथ ज्वाइन करेंगे, ये और ये है आपका डी फाई, ये वाला एंगल, सो डी फाई जो आपका एंगल है वो वही एंगल है जो डीएल ने बनाया है पॉइंट पी के साथ। जब आप पूरे कंडक्टर को कंसिडर करोगे तो ये डीएल नहीं रहेगा बल्कि ये बन जाएगा एल, और ये वाला एंगल जो है ये डी फाई वाला एंगल
ये इतना नहीं रहेगा, फिर ये एंगल भी बढ़ता जाएगा और ये वाला एंगल बनेगा फिर, मतलब छोटे कंडक्टर ने डीएल ने ये एंगल बना दिया। ये देखिए यहां पर एंगल बना दिया, छोटा एंगल कितना, डी फाई। अब डीएल अगर बड़ा हो तो एंगल यहां पर बड़ा बनेगा, ये देखिए। अगर कंडक्टर इतना बड़ा है तो एंगल बनेगा इस तरह से, ये है बात समझ में। तो ये पॉइंट पी पर जो एंगल बनता जाएगा, जैसे ये डीएल बढ़ता जाएगा, अगर हम डीएल 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 जोड़ते जाएंगे तो ये पूरा कंडक्टर जब बनेगा तो वो एंगल जो है, ये डीएल ने जो यहां पर एंगल बनाया है, ये डी फाई भी बड़ा होता जाएगा। और यहां पर हमें फिर इस पॉइंट को और इस नीचे वाले पॉइंट को, जो जिसको हमने पॉइंट बी कहा, इस पॉइंट बी को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। आप जरा देख लीजिए, पूरे कंडक्टर ने पॉइंट पी के साथ जो एंगल बनाया है वो ये एंगल है। ये मेरे हाथ को देख लीजिए, पेन को देख लीजिए, कहाँ जा रहा है, ये तो ये पूरा एंगल बन जाता है। मगर ये पूरा एंगल अगर हम देखें तो इसमें ये पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, वो जो पॉइंट ए जब हमने यानी ऊपर वाले एंड को जब पॉइंट पी के साथ ज्वाइन किया तो वहां पर ये एंगल बन गया, और इसी तरह से नीचे वाले पॉइंट को जब पॉइंट बी पी के साथ ज्वाइन करेंगे, ये देखें, तो ये वाला एंगल बनेगा ये। अब हम मान के चलते हैं ये वाला जो नीचे वाला एंगल है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज फाई वन, और ऊपर वाला एंगल जो है दैट इज फाई टू। अगर हम इसको पूरे मैग्नेटिक फील्ड, पूरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल कंडक्टर, पूरा कंडक्टर जो हमारा है ए बी, उसकी वजह से जो यहां पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अगर हम उस पूरे मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाना चाहेंगे तो हमें मानना होगा कि ये पूरा कंडक्टर ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्री कंडक्टर्स का बना है जिनकी लेंथ डीएल डीएल है, ठीक है। एक डीएल की वजह से इस पॉइंट पर इतना मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ऐसे ही बहुत सारे डीएल्स की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हमें मिलेगा जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिहाजा हम नीचे वाली एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, या आप कॉपी करें, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द कंडक्टर ए बी, ड्यू टू द कंडक्टर ए बी इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। हम इस डी बी की इंटीग्रेशन करेंगे मगर विद इन द लिमिट्स, कहां, यहां से इसने बनाया एंगल फाई वन, यहां से बनाया फाई टू। मैं क्लास में आपको 11th में भी पढ़ा चुका हूं कि जब आप लिमिट्स अप्लाई करें तो आप देखें पहले कि यहां पर आप किस रेस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उन्हीं टर्म्स में लिमिट होना चाहिए। यानी अगर यहां पर है डी एक्स और अगर एक्स डिस्टेंस है, अगर यहां पर डी एक्स होता तो वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, द लिमिट शुड बी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्स, से एक्स वन टू एक्स टू। जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल फाई, लिमिट शुड बी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो आप जब आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये डी फाई जो यहां पर एंगल बनता है, ये छोटा सा एंगल जो बनता है, ये भी बढ़ता जाएगा और लिमिट इस एंगल के लिए चेंज होगी। अगर अगर डीएल 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 नीचे वाले डीएल को हम ऐड करेंगे तो टोटल एंगल बनेगा फाई वन, ये वाला एंगल, ये फाई वन। जब डीएल 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 ऊपर वाले पार्ट के ज्वाइन हो जाएंगे तो टोटल एंगल क्या बनेगा, फाई टू। समझ लीजिए, ये जो डीएल है ये इस पॉइंट के पर हम शुरू करते हैं, नीचे वाले डीएल को जोड़ देते हैं ताकि हम पॉइंट बी तक पहुंच जाएं, तो सारे डीएल कौन सा एंगल बनाएंगे, वो एंगल बनाएंगे नीचे से फाई वन। ऊपर वाले डीएल को ज्वाइन करते जाएंगे ताकि हम पॉइंट ए तक पहुंचे, तो फिर टोटल एंगल ऊपर की तरफ से क्या बनेगा, फाई टू। तो लिहाजा हमारे लिमिट्स होंगे फाई वन टू फाई टू, ठीक है। यानी हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, उसके लिए हमने छोटे कंडक्टर की वजह से, डीएल की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकला उसको इंटीग्रेट किया, मगर जब हम डीएल 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 ऐड करेंगे उनके मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, तो जब हम पॉइंट बी तक पहुंचेंगे नीचे की तरफ से, तो टोटल एंगल डी फाई नहीं रहेगा, वो बनेगा फाई वन।
और जब हम ऊपर की तरफ से इन डीएल डीएल को जोड़ते जाएंगे, उस वक्त जो इंटीग्रेट होकर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके लिए एंगल बनेगा डी फाई, नहीं रहेगा वो बनेगा फाई टू। मगर चूंकि फाई वन एक डायरेक्शन में, मान लीजिए इस वाली डायरेक्शन को क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन को एंटी, नीचे वाली डायरेक्शन को एंटी क्लॉक वाइज, ऊपर वाले को हम क्लॉक वाइज मान के चलें, तो ये जो डीएल 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 ऐड हो रहे हैं, तो ये एंगल फाई वन कहाँ से बन रहा है नीचे की तरफ, और ये फाई टू कहाँ से बन रहा है जब डीएल 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 ऐड हो रहे हैं, फाई टू ऊपर की तरफ बन रहा है। यहाँ कैसे समझ आएगा कि फाई वन नीचे की तरफ है और फाई टू ऊपर की तरफ है? हम एक की डायरेक्शन नेगेटिव और दूसरे की पॉजिटिव ले लेते हैं, तो लिमिट्स रहेंगे माइनस फाई वन टू फाई टू। माइनस फाई वन टू फाई टू का मतलब ये है कि फाई वन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी नीचे की तरफ बन रहा है तो फाई टू इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में बन रहा है। अब हमने नेगेटिव नीचे क्यों लिया, पॉजिटिव ऊपर लिया? अगर हम ऊपर ही नेगेटिव लेंगे नीचे पॉजिटिव कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि यहाँ लोअर लिमिट होता है तो बेहतर आसानी इसी में रहती है कि हम नीचे वाले लिमिट को माइनस ले लें, नेगेटिव ले लें, ऊपर वाले लिमिट को यानी अपर लिमिट को पॉजिटिव ले लें। सो पहले हमने क्या किया, हमने बायट-सावर्ट लॉ अप्लाई किया, तो इस पॉइंट पर क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, डीएल की वजह से, ठीक है ना। वो क्या आ गया, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या किया, इस एक्सप्रेशन को हमने इंटीग्रेट किया, लिमिट्स क्या रखे, माइनस फाई वन टू प्लस फाई टू। माइनस फाई वन यानी फाई वन नीचे की तरफ जो एंगल बना पूरा एंगल इस पॉइंट और बी के दरमियान, और फाई टू जो ऊपर वाले पोर्शन में एंगल बन गया, शाबाश, इस पॉइंट ए और ओ के दरमियान एट पॉइंट बी। अब इन दो पॉइंट्स को, शाबाश, इन इस इंटीग्रल को हम यहां पर इंटीग्रेट करेंगे इस क्वांटिटी को, तो हमें मिलेगा बी इज इक्वल टू, देखिए इस एक्सप्रेशन को यहां लाइए, डी बी क्या है आपका, म्यू नॉट आई कॉस ऑफ फाई डिवाइड बाय 4 पाई, वेरी गुड, ए इंटू डी फाई, एंड व्हाट आर द लिमिट्स, माइनस फाई वन टू फाई टू। अब बताइए ये यहां पर एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी जो है वो हम बाहर करेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, कॉस ऑफ फाई डी फाई, ठीक है ना, माइनस फाई वन टू प्लस फाई टू, ठीक है, क्योंकि ये चीजें कॉन्स्टेंट है, म्यू नॉट करंट का वैल्यू 4 पाई ए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक ही होती है, तो ए बाहर, ठीक है ना। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ फाई चेंज होता जाएगा, तो कॉस फाई, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, साइन होती है, वेरी गुड, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, शाबाश, हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू, शाबाश, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए। अब यहां पर कॉस की इंटीग्रेशन इज साइन, तो हम लिखेंगे साइन फाई, एंड द लिमिट्स आर माइनस फाई वन टू प्लस फाई टू। अब मैं ऊपर रब करूंगा, शाबाश, तो हमें क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू, शाबाश, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए, शाबाश। अब लिमिट अप्लाई कीजिए, साइन फाई, पहले अपर लिमिट फाई टू, साइन ऑफ फाई टू माइनस साइन ऑफ माइनस फाइव वन, लोअर लिमिट माइनस साइन ऑफ, लोअर लिमिट क्या है, माइनस फाइव वन, तो ये माइनस फाइव वन, ठीक है। तो आप जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो आप लिखेंगे म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए इंटू साइन ऑफ फाइव टू, ठीक है भाई, ये साइन ऑफ माइनस थीटा है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस इसके साथ फिर प्लस बनेगा, फिर प्लस साइन ऑफ फाइव, साइन ऑफ फाइव, ठीक है भाई। बोर्ड पर जगह कम है तो आप मेरी आवाज से भी काम ले सकते हैं, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आई इंटू, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, साइन ऑफ फाई टू प्लस साइन ऑफ फाई वन। अच्छा, अब आपकी रेफरेंसेस जो है उन्होंने इस एंगल को फाई लिया है, जहां हमने थीटा लिखा, जहां हमने फाई लिखा
वहां उन्होंने थीटा लिखा है। फाई की जगह अगर थीटा उन्होंने लिखा है तो उनका एक्सप्रेशन आएगा साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन, ठीक है ना। तो लेकिन वो तो चॉइस है अपनी कि आप किस एंगल को किस चीज से डिनोट करें। तो लिहाजा ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, लेकिन ये एक्सप्रेशन हमारे पास है, मैं इसको एक्सप्रेशन टू कहूंगा और आप वहां पर नोट करेंगे एक्सप्रेशन टू, इक्वेशन टू, इक्वेशन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू, दिस इज ए, दिस इज नॉट आई, ड्यू टू एफ कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट ए पॉइंट, मान लीजिए एट ए पॉइंट, मैं फिर से बताता हूं, इक्वेशन सेकेंड रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरियिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, यानी अभी इसकी लेंथ फाइनाइट है, ए टू बी, जहां पर ये एंगल बन गया फाइ टू, यहां से एंगल बन गया फाइ वन। अब इसका जो हमें केस निकालना है वो है जब लेंथ इनफिनाइट होगी। अब जरा बताइए, ये पॉइंट जब इस कंडक्टर की लेंथ इनफिनाइट होगी तो ये पॉइंट कहां पर होगा, इन्फिनिटी पर, भाई लेंथ ही इनफिनाइट है तो ये एंड पॉइंट नहीं होगा, यहां पर एंड पॉइंट कहां पर होगा, इन्फिनिटी पर। तो ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है जो इस पॉइंट के साथ को ज्वाइन करके यहां पर बना रही है एंगल फाई टू, ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है इस पॉइंट ए के साथ जो यहां पॉइंट पी पर क्या बना रही है फाई टू, ये फाई टू रहेगा। फिर देखिए इस पॉइंट को पी को फिर ज्वाइन कीजिए ए के साथ, लेकिन ए कहां है, इन्फिनिटी पर। तो पी को जब आप ले जाएंगे तो ये भी कहां ले जाना होगा, इन्फिनिटी पर। तो क्या ये लाइन ऐसे जाएगी, नहीं, ये खड़ी होके जाएगी इस तरह से, ये पैरेलल जाएगी इसके साथ, बिकॉज ओनली पैरेलल लाइन इज विल मीट एट इन्फिनिटी। तो उस वक्त ये एंगल ये नहीं रहेगा, ये एंगल इस तरह से जाएगा, ये लाइन जाएगी इन्फिनिटी तक और ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्रीज। तो मतलब ये कंडक्टर जब इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर होगा फाई टू 90 होगा उस वक्त। इसी तरह से ये एंड बी यहां पर नहीं होगा, ये भी नीचे इन्फिनिटी पर होगा, तो ये फाई वन भी वहां पर बन जाएगा 90। तो हम ये कहना चाहते हैं फॉर एन इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर फाई वन एंड फाई टू आर इन्फिनिटी आर 90। वाई, बिकॉज ये इस वक्त फाई टू तो है लेस देन 90, ये इस तरह बनता है, लेकिन जब ये लाइन ऐसे नहीं जाएगी, मान लीजिए ये ऐसे जाएगी तो ये एंगल बढ़ जाएगा, अगर ये ऐसे जाएगी ये और बढ़ेगा, लेकिन जब ये लाइन इस पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाली लाइन इस ए को जब ज्वाइन करेगी, ए कहां पर, इन्फिनिटी पर, तो इस लाइन को आपने कहां ले जाना है, इन्फिनिटी तक। तो आपको ये लाइन इस तरह से स्ट्रेट ले जानी है इन्फिनिटी तक, तो ये एंगल उस वक्त 90 बनेगा। इसी तरह से ये एंगल फाई वन जो है जब ये पॉइंट बी इन्फिनिटी पर नीचे से होगा तो ये भी वहां पर ऐसे जाएगी, ये लाइन उस वक्त बी को, बी इन्फिनिटी पर होगा तो ये लाइन यहां से इसको ज्वाइन करने वाली लाइन यहां नहीं जाएगी, उसके लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन यहां जाएगी और ये एंगल भी 90 होगा। सो फॉर एन इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर आप लिखेंगे वहां पर, फॉर एन इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर फाई वन इज इक्वल टू फाई टू इज इक्वल टू 90, ये दोनों उस वक्त क्या होंगे, पाई बाई टू 90। अब जो एक्सप्रेशन आपकी है देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड जो आपकी है उससे हमें क्या मिलेगा, द मैग्नेटिक फील्ड देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, ये किसकी एक्सप्रेशन है, फाइनाइट कंडक्टर, फाइनाइट लेंथ वाले कंडक्टर के लिए। आप क्या निकाल रहे हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग शाबाश कंडक्टर इज शाबाश क्या आएगा वो, B इज इक्वल टू इसी सेकंड इक्वेशन से म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए। अब फिर अंदर क्या बचा है वहां पर साइन फाई टू
प्लस साइन फाई वन, मगर फाई टू कितना है 90, फाई वन कितना है 90, साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन दैट मीन साइन 90 प्लस साइन 90, शाबाश। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब मैं इसको मिटा भी सकता हूँ, हम यहाँ पर लिखेंगे साइन फाई टू मीन साइन 90, क्योंकि इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर जब होगा फाई टू 90 होगा, फाई वन भी 90 होगा, ठीक है। तो साइन फाई टू दैट मीन साइन 90 प्लस साइन फाई वन दैट मीन प्लस साइन 90, तो क्या बनेगा शाबाश, ये बनेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए, साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1, तो ये बनेगा 2, ठीक है ना, 2। तो आप इसको लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको और इसको कैंसिल करके लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए। नाउ म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई इज द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं उस पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए फ्रॉम द कंडक्टर, ठीक है ना। तो ये किसके लिए एक्सप्रेशन है, इनफिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए। वो वाली किसके लिए है, फाई टू प्लस फाई वन किसके लिए है, वो है फाइनाइट लेंथ वाले कंडक्टर के लिए। इस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला फॉर ए कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, फॉर ए कंडक्टर ऑफ इनफिनाइट लेंथ व्हेन द कंडक्टर कैरीज करंट, ठीक है ना। व्हेन करंट पासिंग्स थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय म्यू नॉट I divided by 4 pi A sin phi 2 plus sin phi 1 when the conductor has a finite length. And when the conductor is of infinite length, the magnetic field strength at the point is mu naught I divided by 2 pi A. In the expression, I is the current passing through the conductor. A is what? The shortest distance of the point from the conductor. Ye baat. Dusri baat, ab ye magnetic field ki expression to ye hai, magar ye magnetic field jo ho, या इस पॉइंट पर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो आप जानते हैं, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कीजिए, फिर अगर ऊपर की तरफ करंट जा रही है तो इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा। एक ऐसा ही सर्कल या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप इस पॉइंट में से पास होगी, टेंजेंट डाल दीजिए तो टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, शाबाश, हाँ इनवर्ड्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ तक ये थोड़ा सा ये फाई वन और फाई टू वाला मामला जो है जहाँ मैंने लिमिट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिए, अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ये फिर इंडिविजुअल लेवल पर ही क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।